नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खमागिनी केम छो के रुहाल, कैसे काय? मैं हूं करण रजानी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिवसेना ने जो किया वो गलत किया, लोग कह रहे हैं, लोगों ने अभद्र शब्द वापरे हैं। अगर मैं अभी सोशल मीडिया पर देखूं तो ऐसे में आर भारत जो चैनल है उन पर काफी बड़ा निशाना साधकर संजय राउत के भाई ने केबल ऑपरेटरों को एक धमकी दी है और कहा है कि आर भारत चैनल को बंद करना है। इतनी बड़ी बात, आर भारत चैनल जो लोग लड़ रहे हैं, जिनके दो हम कह सकते पत्रकारों को गिरफ्तार किया है आज सवेरे, ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये कहीं ना कहीं लोग लिख रहे हैं गुंडागर्दी हो रही है, गुंडागर्दी। कंगना रनौत के साथ में पहले गुंडागर्दी की गई, कंगना रनौत ने तो कह दिया है मैं चुप नहीं बैठूंगी, लेकिन अब इसके बाद आर भारत पर उन्होंने किया है वार। आर भारत जो किसी को भी नहीं बख्शता, आर भारत जो पीछे तक जाता है, आर भारत जो दिन रात अपने पत्रकारों को इतनी मेहनत करवाता है, जहां आप देख सकते हैं कि वो लोग भागते हैं लोगों के पीछे, उनकी गाड़ियां भागती है लोगों के पीछे, पल पल की खबरें जैसे हम आप तक दे रहे हैं यहां पर, उस तरह आर भारत आपको दे रहा है। ऐसे में अगर आर भारत को बंद कर दिया जाएगा तो दोस्तों कितना बड़ा नुकसान है। एक ऐसी मीडिया जहां पर हम सच का सामना करने के लिए डरते हैं, वो बंद हो जाएगी। दोस्तों, गलत चीजों को सामने रखकर सही चीजों को बंद करना, ये कितना सही है? कितना सही है दोस्तों, कितना सही है, आप बताइए। कहीं ना कहीं ये गलत है। कंगना रनौत के साथ भी जो हुआ वो गलत है, रिया चक्रवर्ती के समर्थन में लोग आए वो गलत है। अब मैं आपको अगर बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ ड्रग्स में उनके भाई और उनके साथी पकड़े गए। सुशांत सिंह राजपूत को संदीप पिठानी ने फांसी के फंदे से उतार कर नीचे क्यों रखा? कहां है संदीप पिठानी? संदीप पिठानी को बाहर निकालने के लिए आर भारत अब जो है एक मुहिम छेड़ रहा है। पहले उन्होंने कहा है कि हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, अपने पत्रकारों को मुंबई पुलिस की गिरफ्त से निकालकर उन पर एक मुकदमा चलाएंगे, क्योंकि मीडिया वालों को गिरफ्तार करने के लिए काफी बड़ी चीज लगती है दोस्तों। मीडिया को गिरफ्तार करने के लिए यूं ही कोई चलता फिरता इंसान नहीं गिरफ्तार कर सकता, कोई एफआईआर नहीं लिखवा सकता, ऐसे ही मुंबई पुलिस नहीं ले जा सकती। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। आप देखते हैं बॉलीवुड की खबरें हमारे साथ, हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। तब तक के लिए मैं एंकर करण रजानी, टेक केयर एंड गुड बाय।